सभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है। नेटोर विधानसभा से प्रिया सिंह को प्रत्याशी घोषित करने पहुंचे सतीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा व सपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। 2007 में बसपा की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सभी वर्गों का विकास किया गया था, लेकिन आज सभी लोग परेशान हैं और महंगाई आसमान छू रही है। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं। सतीश मिश्रा ने नेटोर विधानसभा से बनाई गई प्रत्याशी प्रिया सिंह को अपना समर्थन देने का सभी से आह्वान किया। सभा में सांसद वे आठों विधानसभाओं के प्रत्याशी मौजूद रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों पे जो चल रहा था आंदोलन, उसके बारे में जो देखिए किसानों के बारे में, किसानों का आंदोलन जो चल रहा था उन्होंने चुनाव को लेकर के वापस लिया। ये तो उनके बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कानून लाए थे, किसान ना समझ है, समझ नहीं पाए हैं, हम अपना अभी फिलहाल वापस ले रहे हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए उनके एक गवर्नर साहब ने भी बयान दे दिया। लेकिन किसानों की जो मुख्य, ये तो बाद में, ये तो 15 महीने पहले लाद दिए गए कानून, पर किसानों की जो कई वर्षों से चली आ रही डिमांड कि हमको MSP मिलना चाहिए, न्यूनतम प्राइस मिलना चाहिए अपने, उसके लिए उन्होंने आज भी कोई निर्णय नहीं लिया और ना उन्होंने कोई आदेश जारी किया है। चाहते तो वो इसके साथ में वापस ले रहे थे, एक कानून ये भी ला सकते थे, वो लेकर के नहीं आए और उनको इसको लेकर के आना चाहिए। इसमें बहुजन समाज पार्टी की ये डिमांड है। और दूसरी बात, इसमें हमारी जो बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था उसकी घोषणा भी हुई है। ये दोनों काम ही सफल होने हैं, आप लोगों की वजह से, सब समाज की वजह से सफल होना है। इनको प्रत्याशी बनाया गया है? हाँ, किनको प्रत्याशी बनाया गया है? प्रिया सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वोट? हम सब मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मुद्दों को सबसे ज्यादा अपनी विधानसभा में लेके आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी इस नाटो विधानसभा में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं मुद्दों पे रही है। मैं घर घर जा रही हूँ, सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं पे देख रही हूँ, इन्हीं मुद्दों पे काम करा। मैडम, आपके इलेक्शन लड़ने में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि आप भारी प्रत्याशी हैं, क्या आप भारी प्रत्याशी हैं? जी मैं बिल्कुल। मैडम एक परेशान, एक सवाल मेरा है आपसे, आपके हमारे यही बाहरी प्रत्याशी नहीं है। मेरा गांव गुजरपुर जसपाल है और इसी विधानसभा का गांव है, तो इसी गांव के विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी नहीं है और मैं यहां का बेटा हूं और किसान का बेटा हूं और ये मेरी वाइफ है। आज के कार्यक्रम में मुस्लिम लोग कम क्यों दिखाई पड़े? नहीं, कुछ ये ब्राह्मण सम्मेलन था, इस वजह से मुस्लिम भाई इसमें कम दिखाई दे। मुस्लिम पूरे 100% हमारी साथ है और हम पांचवी बार बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाया काम कर रहे हैं और ये चीज आप सबकी सहायता से, मदद से हम निकालेंगे, 100% जीतेंगे। सांसद गिरीश चंद जो है यहाँ बसपा के सांसद हैं, उनके यहाँ गैर मौजूदगी मुस्तकिल रही है, उसका असर नहीं पड़ेगा आपके इलेक्शन पर? नहीं नहीं, सांसद जी हैं, सांसद आज नजर आए हैं, एक दो साल में देखो, दो साल में नजर आए हैं, लगभग दो साल में। मैं किसी का क्या इसका असर पड़ेगा आपको इलेक्शन पर? पार्टी है, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं, एक आदमी कुछ ऐसे काम